रे हम सदके तुम्हारे। लौट के बुद्धू घर को आ गए। आ जा मेरी तीरानी। मिल्ली, बैठ मेरी लाडो। मैं तो समझी थी कल परसों तक आओगी। कसम दे के भेजा था तेरे अब्बा जी को, पर यकीन नहीं था कि तेरे अब्बा जी की बात पर कोई यकीन करेगा। आराम से बैठ सीधा, अब आ गई है तो पुरानी पिछली बात ना कर। तुझे गांव को पता है कि कमीनी निकाह वाले दिन घर से भाग गई थी? उनको जवाब कौन देगा? उनको जवाब मैं दूंगी, और ऐसा करारा जवाब दूंगी कोई बेटी की मर्जी के खिलाफ उसका निकाह नहीं करे। हाथ रोक रशीदा। बात कैसे करती है? गलत बात नहीं की मुझे। अमीन साहब सुनो तो सही, जवाब कैसे दे रही है मुझे? ना अपने किए पे शर्म है ना आंखों में हया। मैं समझा करती थी मेरी शान और जैसी पूरे गांव में कोई नहीं। मेरे जैसियां तो बहुत है अम्मी जी, पर आप जैसी एक नहीं। पूरे गाँव में तो क्या, पूरे जग में नहीं। सुन रहे हो अमित साहब? हाँ, कंट्रोल कर रशीदा, जवान बेटी से ऐसे बात नहीं करते। चल जो होना था हो गया है, अब थप्पड़ मारने से ताने देने से कुछ नहीं होगा, और गलती हमारी भी है। हमने जो किया गलत किया, क्या जरूरत थी वो मुश्ताक से रिश्ता तय कराने की? दोबारा कहो ना जरा, क्या कहा आपने? किसके पास बैठ के आ रहे हो, किसकी जबान बोल रहे हो? सबर का रशीदा, अंदर आराम से बैठ के बात करते हैं। मेरे तन बदन में आग लगी हुई है अमीन साहब, और आप कह रहे हो सबर का रशीदा? भाई शुक्र करो वो वापस आ गई है, मेहरबानी की है उन लोगों ने, वरना अदालत ने तो हुक्म दे दिया था कि नानी के पास रहे। मैं टोटे करके जमीन में दबा दूंगी तो अदालत क्या कर लेगी? अंदर चलो, चल अंदर। तूने कहा था कि झूठ सच बोल के उसको वापस ले आऊं, मैं बड़े पापड़ बेल कर लाया हूं उसे वापस, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला तो फिर क्या कह के आए उनको? कुरान पे हलफ लेके आया हूं कि खलील से कराऊंगा इसकी शादी। तो ये झूठ नहीं बोला? खुदा की कसम झूठ नहीं बोला, पूरे दिल से नियत से खुदा को हाजिर नाजर जान कर सच बोल कर आया। नियत सच्ची हो भी तो बात झूठी है अमीन साहब, मैं मरूंगी तो खलील से शादी होगी उसकी। तो बगैरती से अच्छा है कि मर जाओ, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हारी कब्र पे सोचा मोहम्मद अमीन का खतमा लग जाए।
पिपला दी छां तले हुण नहीं मिलदा रब्बा कोई दसे मैनू की करा दिल दा पिपला दी छां तले हुण नहीं मिलदा रब्बा कोई दसे मैनू। तेरी उम्र में जो मजार पे आता है ना बस मोहब्बत मांगने आता है। मिल तो गई है ना तुझे, अब क्या चाहिए? ओ नहीं मिलती साईं जी, मिल जाए तो छीन कर ले जाते। तो जाकर बात कर, कहे कि तेरी हेल्प करें वो। मेरी जान खड़े जावे हाँ मिलने ओ आदासी फिर किन्ने तोड़ के दिल नहीं ओ मन दा जावे। कैसे हेल्प करेंगे मेरी? एतबार नहीं है तो फिर क्यों आए हो यहाँ? खुद नहीं आया, किसी ने भेजा मुझे। मोहब्बत भी किसी से पूछ के की थी? मोहब्बत किसी से पूछ के कैसे हो सकता? तो फिर जा यहाँ से, हेल्प के लिए उस दिन आना जिस दिन तेरा दिल कहे कि हेल्प यहाँ से शुरू होगी। कटे जावे हाँ मेरी जान कटे जावे हाँ निमी निमी अग ते साना सुखावे हाँ छड़ के जे जासी ते जान। शानू आ गई। शानू तो वापस क्यों आ गई है? क्या करूं मैं, मोहब्बत के लिए मेरी उम्र जरा कम। अच्छा ये पता चला तुझे? अबे देखना अब यहां से तो जा ही नहीं सकेगी। जाने की जिद तो मेरी भी नहीं थी और मैं तो आज भी कहती हूँ कि मुझे उससे ना मिलने दो, पर मुझे उससे अलग तो ना करो। मुझे तो पहले डर, तुम दोनों को बेचे की तरफ जाने ही नहीं चाहिए था। सीधा चले जाते लाहौर, पहुंचते निकाह करते और फोन पर इतला दे देते। फिते मुंह तेरे मुस्कुराने पे। पता है अड़ी, निका तो नानी के घर पे भी हो सकता है, बल्कि हो ही जाऊं। तैयारी भी कंप्लीट, पर अंदर की बात ये है कि किस्मत अपना शेड्यूल लेकर बैठी होती है, तय कर लेती है कि हम कितने बजे पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेगी। हम लेट हो जाते हैं पर वो लेट नहीं होते। चल छोड़ मेरी बात,
तू अपनी सुना। ये तो बता दे कि इम्तिहान कब है। तुझे तो ये पूछना ही नहीं चाहिए कि इम्तिहान कब है। क्यों, तू दे तो रही है इम्तिहान। एक पर्चा खत्म, दूसरा शुरू। ना वक्त का पता ना डेट शीट में। अच्छा चल, कोई गेस तो दे दे मुझे। सवाल चाहे ना बता, ये तो बता दे कि अगला पर्चा किस चीज पर है। अपनी अम्मी जी से पूछ ले। तौबा करने, वो बताएंगी दिनियात का और सवाल पूछेंगी साइंस का। साइंस का नहीं, हिसाब पूछेंगी। एक जमा है, बता कितने हुए। तुम कहोगी दो, वो पूछेंगी दूसरा कौन। मैं कहूंगी खलील। थप्पड़ मारेंगी मुंह पे और खलील को गाली देकर कहेंगी एक जमा है, होते होंगे दो। पर खलील शानों के साथ जमा नहीं हो सकता, फिर उनको ये पता नहीं होगा एक जमा एक जमा हो या ना। खलील शानों में से माइनस नहीं हो सकता। शानू, तेरे खालू जी आए। बिस्मिल्लाह। सलाम पाजी। वालेकुम सलाम। सलाम खालू जी। अरे वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटी। सलाम बेजी। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेजी। अल्लाह जाने कैसी हूँ। सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। आओ भाई। सलामुअलैकुम बेजी। वालेकुम अस्सलाम। आया होगा वो भी। ना, मुझे पता है वो नहीं है। तुझे कैसे पता चलता है कि वो नहीं आया। इल्हाम होता है मुझे, मतलब फरिश्ते बताते हैं तुझे। प्यार हो जाए ना कमीने, तो ये जो दिल है ना, फरिश्ते की तरह हो जाता है, हर बात की इत्तला देता है। चल फिर अपने दिल से पूछकर बता कि तेरी शादी कब है उससे। फरिश्तों को बस मुलाकातों की खबर होती है, आगे का कुछ नहीं। तुझे पूरा यकीन है उस पे। अगर आज तेरे मियां अबू ना माने तो फिर क्या होगा। मुझे पता है वो नहीं माने। मम्मी तो कभी भी नहीं माने। मुझे डर लग रहा है शानो। डर किस बात का। अगर उसकी शादी किसी और से हो गई तो। हो जाए मतलब तुझे दुख नहीं होगा। उसकी कसम जरा दुख नहीं होगा। जिससे शादी करेगा उससे उतनी ही मोहब्बत करूंगी। मैं नहीं मानती। आजमा के देखो। आजमाऊं कैसे। तुम कर लो ना उससे शादी। मुंह चूमूंगी मैं तुम्हारा।
अच्छा कोई शक शुबा होता या तुम पर एतबार ना होता तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। जब तुमने वादा कर लिया और कसम खा ली तो मैंने आंख बंद करके यकीन कर लिया कि तुम सच कह रहे हो। इसीलिए बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। जब यह तय हो चुका है कि दोनों की शादी हो जाएगी तो पहले फिर निकाह क्यों ना कर दें? दोनों की शादी का वादा किसने किया? मैंने वादा भी किया और कसम भी खाई है। किससे पूछा आपने? आराम से बैठ रचीदा। नहीं बेटी, बोलने दो इसको। मैं बताता हूँ रचीदा, सोच समझ के अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वादा करके आया हूँ और ये वादा पूरा करने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब आगे बोलो भाई। बस यही कहना था मैंने, उन दोनों पर मेहरबानी करो और मुझे निकाह की तारीख दे दो। आप हुक्म करो भाई, किस दिन करोगे निकाह? मीन जंजुआ साहब, आपकी ऐसी की तैसी। मैं देखती हूँ कौन देता है तारीख और कौन लेता है तारीख, और किसकी हिम्मत है कि मुझसे पूछे बगैर मेरी शानों को निकाह करके ले जाए। खुदा के कहर से डर रशीदा, वो अकेला नहीं बात कर रहा, साथ में तुम्हारी माँ भी बैठी है। आप उनके साथ नहीं बैठी बेजी, उनके हक में बैठी हो। ये बात है तो फिर भेजो उसे हमारे साथ, वरना मैं बेलफ लेकर आऊंगी। ले आओ बेजी, मैं भी देखूं माँ बेटी के घर बेलफ लेके आई है। आप तारीख रखो बाजी, रशीदा को मैं संभाल लूंगा। देख लो अमीन, कहीं तारीख पर मुकर ना जाना। कसम खाई है बेजी, दबा के दिखाऊंगा। चल अब्दुल रहमान, रखते तारीख। इतवार, आने वाली इतवार। मुझे मंजूर है, देख कर रहे हो पाजी, जो कहा है वो पत्थर में लकीर है। इतवार को निकाह होगा, चाहे मैं मर जाऊं या रशीदा मर जाए। तेरे सारे गुना माफ मोहम्मद अमीन, सारे गुना माफ। उसकी कसम, जरा दुख नहीं हो, जिससे शादी करेगा उससे उतनी ही मोहब्बत करेगी। मैं नहीं मानती, आजमा के देख। आजमाऊं कैसे? तुम कर लो ना उससे शादी। अरे जफ्फी डाल मेरी लाडली, जफ्फी डाल। बस इतवार तक का स्यापा है, फिर तू जो मांगेगी ना वो ही मिलेगा। क्या मिलेगा बेटी? खलील मिलेगा, और क्या चाहिए तुझे? और कुछ नहीं चाहिए। इतवार को तुम दोनों का निकाह है। ना करो बेटी, यकीन कर लिया तो खुशी से मर जाऊंगी। यकीन नहीं आता तो ठीक है, इंतजार कर। हैं? चार दिन पार आगे आया इतवार।
अम्मी जी मान गई। अरे बाप राजी हो तो माँ को इतला काफी है। कसम खाई है उसने और कलमा पढ़ के कहा है कि शानो खलील की। अम्मी जी ने क्या कहा? अम्मी वो तो बस वही कपट। तू फिकर ना कर, कपट है तो होता रहे, मैं उसे देख लूंगी। देखने की बात कल परसों पर ना टालना बेटी, अभी देख लो। तू डर ना, आज मैंने तेरे बाप की हिम्मत देखी है, बस तेरे लिए वो ही काफी है। समझ कि तू पार लगने वाली है। पार लगाने वालों से डुबोने वाली ताकतवर है बेटी। बेटा वहम डुबोता है, तू वहम ना कर। चल अब मैं जाकर उसे खबर सुनाऊं जो तुम्हारे जाने का सुनकर गुस्सा करके बैठा है। कहाँ है वो? बानो पिंडी, मिलने आया था तुमसे और तुझे गाड़ी में जाते हुए उसने देखा भी था। शक्ल रोने वाली ऐसी बनाई हुई थी कि उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई। यकीन तो वो भी नहीं करेगा। तो ना करे, इतवार तुम दोनों के सर पे खड़ी है। आंख बंद करके खोली तो आ गई इतवार। ऐसे ही नहीं आनी बेटी, आपको अम्मी जी का पता नहीं। हफ्ते को बोलेंगे कल सोमवार। इतवार तो आए बगैर ही चली गई ना। देख जाते हुए मेरा दिल खट्टा ना कर। जाओ बेटी, हर दिन मिठा करके ना जाओ। अच्छा तू ऐसे कर, शर्त रख ले, निकाह हुआ तो तू 5 देगी और मेरी जुबान सड़ जाए, अगर निकाह ना हुआ तो मैं 500 तुम्हें दूंगी। अच्छा मंजूर है शर्त? मंजूर है। मेरा बच्चा। चल खलील रोटी खा ले। अभी नहीं मामी जी, बेजी और अब्बा जी आएंगे तो खबर सुनकर खाऊंगा। वहां से अच्छी खबर की उम्मीद ना रखना। दिल मैला ना कर इसका, रही सी भूख भी लग जाएगी। मैं कहती हूँ बाज आ जाओ, तुम पीछे पीछे फिरने से ना मेरी बदनामी मिलेगी और कुछ नहीं मिलना। मुंह पर ताकर देख, शानों से हसीन लड़कियां खड़ी हैं पीछे। उससे ज्यादा सोनी कोई नहीं। मेरी बहन देखिए दिलशाद, चंदा टोटा है। चंदा टोटा नहीं चाहिए मुझे, पूरा चंद चाहिए मामी जी। अभी मैं नहीं खाऊंगा, चंद चढ़ेगा तो खा लो। दिलशाद की बात करने की क्या जरूरत थी? आप ही कहा था उसने मुझसे, इसकी शोहरत पे मर मिटी है। मुझसे कहने लगी एक बारी सामना करा दो, फिर जो शानों का नाम ले लेना, तो मेरा नाम दिलशाद नहीं। वैसे बुराई क्या है उसमें? सोनी जवान है, ऊपर से एफए कर रही है, आपा ने तो रिश्ता देना नहीं उसको, कहीं और तो करेगा ना, इसीलिए कह रही हूँ। कुछ ना सही, एक चक्कर लगाकर मिली आए उससे। गुस्सा देखा उसके मुंह पर? गुस्सा ना देखो, उम्र देखो उसकी, कच्ची उम्र का जवान और पक्की उम्र का बच्चा। एक चीज ना मिलने पर रोएगा, दूसरी चीज मिलने पर हंसेगा। भोपाल वाला, बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। 10 बजे गाड़ी मिल जाएगी ना? नहीं बाबू जी, 10:30 बजे की मिलेगी। अच्छा अच्छा, कितने पैसे? पैसे जी, पैसा कोई नहीं, बस मुझे कोई खुशखबरी सुना दे। खुशखबरी? हाँ जी। क्या खुशखबरी सुनाऊं? ये बता दें कि ठेकेदार साहब ने हाँ कर दी है। किस बात की? असल में खलील बाबू मेरे ही तांगे में आता जाता है और शानो बीबी भी इसी तांगे में जाती थी कॉलेज।
इतवार को निकाह है दोनों का। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह मेरे मौला वाह। लेकिन तुम क्यों इतने खुश हो? असल में नेक सवारी से कोचवान का रिश्ता होता है, खुशी और गमी का रिश्ता। तो इतवार को तुम भी आना, निकाह का सद्दा है तुम्हें। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अब तो किराया लोगे ना? अब तो बिल्कुल नहीं बहू जी, अब तो एक रुपया भी हराम है मेरे पे। आप बैठने वाली बात करें, बहन जी बैठे हैं आप। चले, चले। आओ, चले। आओ। तलाक लिख दो मुझे। किस बात की आग लग गई तुझे? क्या बर्दाश्त नहीं होता तुझसे? मैंने कहा तलाक दो मुझे। शर्म कर रशीदा, जवान बच्चे हैं हमारे। बांदरी के पैर सड़े तो उसने बच्चे पैरों के नीचे ले लिए थे। मां बन रशीदा, बांदरी ना बन। आराम से बैठ के सोच, दोनों सच्चा प्यार करते हैं, दोनों मिल जाएंगे तो हम दोनों को दुआ देंगे। थूकती हूं मैं उनकी दुआओं पर। रशीदा, इतना लाज तड़प के मैं तुझे देख देख के मर जाऊं। बड़ा शौक है ना प्यार करने वालों को मिलाने का। अच्छा चलो मिलाओ मुझे भी। तुझे किससे मिलाऊं? मेरा भी तो बचपन का प्यार था, 14 साल की थी जब मेरी मंगनी हुई थी। मनते मांगती थी, चढ़ावे चढ़ाती थी, और मेरी अपनी बहन खा गई मेरे उस प्यार को। चलो ये जिम्मेदारी भी उठाओ, कहो अपने सांडू को कि तलाक दे आपा इनायत को, और आप मुझे भी आजाद करो, फिर कराओ उन दोनों का निकाह। अल्लाह ने चाहा तो निकाह पे नच के दिखाऊंगी आपको। हो गया ना रंग फक, बैठे बैठे निकल गई ना जान। इस तरह मेरा रंग फक होता है, मेरी जान निकलती है। आपकी बेटी से पुराना प्यार है मेरा, 20 साल पुराना। वो अमीन जंजुए के बच्चे पैदा कर लेने से खत्म नहीं होता। अब करो ना वादा, अब खाओ ना कसम, कहो कहो कि मिलाओगे उन दोनों को। इतना हौसला नहीं है आपके अंदर, और ना ही मेरे अंदर इतना हौसला है कि सादिक के बेटे से शानों का निकाह कर दो। सादिक पहला वार उसी ने किया था मुझ पर, और दूसरा वार मेरी बहन ने किया था, और वो कमीना उन दोनों की औलाद है। जरा सोच के बताओ ना, अगर शानों का निकाह खलील के साथ हो सकता है तो फिर मेरा निकाह अब्दुर्रहमान के साथ क्यों नहीं हो सकता? बड़ा प्यार करते हो ना मुझसे, तो निभाओ अपना प्यार, आजाद करो मुझे, और बात करो अब्दुर्रहमान से, कहो कि खलील के साथ वो भी आए, और दो डोलियां लेकर जाए यहां से। अब मिर्गी क्यों पड़ गई अमीन जंजुआ साहब? मिलाओ ना प्यार करने वालों को, मैं भी बड़ी दुआ दूंगी आपको।
अमेरा, अमेरा, आप कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, सब सो रहे हैं। दीवार कूद कर आए? नहीं, दरवाजे से। क्यों आए हो? मेरी तरफ देखो। शानू ने क्या कहा था तुमसे? कहने लगी क्या आपसे शादी कर लूं? हाय, मैं मर गई। और तुमने क्या कहा? मैं तो शर्म से मर ही गई। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो उसे दुख नहीं होगा? कहती है जरा सा भी दुख नहीं होगा, बल्कि वो चूम लेगी मेरा। मुझसे प्यार करती हो? कब से करती हो? पता नहीं कब से। तो फिर चलो मेरे साथ, सुबह होने से पहले हम निकाह कर लेते हैं। लेकिन लेकिन क्या? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जाएंगे कैसे? जैसे मैं आया हूँ वैसे ही ले जाऊंगा तुम्हें। आ जाओ। कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? कभी। सदके तुम्हारे